सब्सक्राइब करें स्टडी स्कोप को और बेल आइकन को दबाइए हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सौर मंडल का अधिकतम तप्त ग्रह शुक्र, इसे सूरज के सबसे नज़दीकी ग्रह तो बुध हो गया जिसे मरकरी बोलते हैं, उसके बाद आता है वेनस जिसे शुक्र बोलते हैं, मगर वेनस का एटमॉस्फेयर जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस से बना होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसके कारण ये सबसे गर्म ग्रह होता है। इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी हम लोग बोल सकते हैं, इसका टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फोकन कमीशन किससे संबंधित है, ये है तहलका रक्षा कांड से जो 2001 में हुआ था। मीन कैम्प पुस्तक का लेखक कौन है, यह है रुडोल्फ हिटलर। इनकी पुस्तक रिलीज हुआ था वॉल्यूम 1 1925 ईस्वी में और वॉल्यूम 2 1926 ईस्वी में। बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है, ये शेयर बाजार में होता है और शेयर बाजार से जुड़े हुए कुछ और शब्द जैसे क्रैश, रैली, स्क्वैशिंग, ऑफ, करेक्शन और डिविडेंड। हिंदी फिल्म के इकबाल की मुख्य भूमिका निभाई थी नसरुद्दीन शाह ने। विश्व की सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर जिसकी लंबाई है 6650 किलोमीटर और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी जिसका लंबाई है 2525 किलोमीटर। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए, शिकागो में हुआ जो 1893 ईस्वी में हुआ था। बोलकर विवाद के कारण किसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा, यह नटवर सिंह जो भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रह चुके हैं। किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना 35वां शतक बनाया, ये फिरोज शाह कोटला। भारत में देश तथा देश प्रदेश है 28 और 7, मगर अभी 29 राज्य है और 7 संघ शासित प्रदेश है और तेलंगाना जो है वो 29वां राज्य है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो उस समय था नई दिल्ली से भोपाल शताब्दी, पर अभी जो है वो गतिमान एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली से आगरा तक जाती है। केंद्र में वर्तमान शासक दल उस समय था UPA, मगर अभी BJP की सरकार है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना। निम्न में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है, M विजयन और टेनिस, ठीक है। अब आगे है कि अभिजीत सावंत को एक टेलीविज़न कार्यक्रम के कारण प्रसिद्धि मिली, ये इंडियन आइडल था जो 2005 में हुआ था। हड़प्पा लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, ये थी उन लोग लोहा। ब्रॉड ग्रेज रेलवे लाइन प्रणाली में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.676 मीटर होनी चाहिए। मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन क्या है, मूल्यों में वृद्धि। केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित की गई पेंशन योजना 1 जनवरी 2004 को लागू हुई। भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रसिद्ध संस्थानों का है। भारत का बगीचा किस शहर को कहा जाता है, ये बंगलोर को। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधी या तापमान पर क्या प्रभाव डालती है, ये तापमान को घटाती है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। निम्न में से किस राज्य की दूसरी भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमा है, ये उत्तर प्रदेश। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। भारत में किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है, ये प्राथमिक सेक्टर जहाँ पे इसको बोल सकते हैं कच्चा या रॉ मटेरियल, ठीक है, और द्वितीयक सेक्टर में उसको जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इसमें शामिल है, और तृतीयक सेक्टर में सर्विसेस आते हैं, ठीक है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा था भारतीय ग्रीक राजा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश हो गया वेटिकन सिटी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में है, ठीक है। कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है, 191 थे मगर अभी 193 है, ठीक है, और ये इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से भारत के राज्य का राजस्व सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, बिक्री कर है। लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे, ये थे GB मावलंकर और अभी जो है सुमित्रा
महाजन लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ये है मत्स्य पालन फिशिंग से। हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को। हैमलेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ये है टेनिस से। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? इसे पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक अखिल सेवा नहीं है, भारतीय आर्थिक सेवा जो है वो एक अखिल सेवा नहीं है। वो भारतीय मूल की अमरीकी अंतरिक्ष यात्री जिसकी कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष से वापस आने के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वो है कल्पना चावला। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। ठीक है, और भारत के अभी करंट में जो है रामनाथ कोविंद भारत के प्रेसिडेंट हैं, ये 14वें प्रेसिडेंट हैं। विश्व बैंक जिसे अंतरिक्ष पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, ये Washington DC में है। विश्व बैंक की दो शाखाएं हैं, एक IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, यह 1945 ईस्वी में बनी थी और इसके प्रेसिडेंट है जिम योंग किम। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा है। ठीक है, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? इसमें जातक की कथाएं। होंडा कंपनी के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से एक शहर में औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो गई थी, वो शहर कौन सी है? वह गुड़गांव। वो एक पाकिस्तानी अभिनेत्री है जिन्हें भारतीय आभूपुरस्क अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका था। फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने उन्हें भारत पाक शांति मार्च में निजामुद्दीन दरगाह पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, वह है मीरा। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? ये है कटक में। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? यह है जयपुर। हरिसेन निम्न में से किनके राज्य कवि थे? ये थे समुद्र गुप्त। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस राज्यसभा के लिए चुने गए थे? असम। निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? मुक्ति लिबरेशन। जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? यह पावापुरी। निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? यह अहिंसा। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? यह है ऋग्वेद। न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान का अंतर निम्न में से किस स्थान पर होगा? यह दिल्ली। बैंकिंग से संबंध शब्द ATM का विस्तार है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला? गन्ना। अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया? पुराना किला। निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाया? गुरु अंगद। गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? शिवाजी को। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये उस्ताद ईसा ने। वो पहली सिपाही जिसकी ग्रीस में लाने से इनकार कर दिया गया और उसे एक सहयोगी की हत्या कर दी गई, मंगल पांडे। अकादमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र। निम्न में से 1905 ईस्वी में सोवेटस ऑफ इंडिया के सोसाइटी का स्थापना GK गोखले ने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? राज्यसभा को विघटित करना।